केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, अगर कमलनाथ राहुल गांधी की बात नहीं मानते हैं तो राहुल गांधी को कमलनाथ पर कार्यवाही करनी चाहिए। तोमर ने कहा, सिंधिया बीजेपी में आए हैं, वो हमारी परंपराओं से, क्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं, जल्दी ही वे सब में समरस हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ और राहुल गांधी के मसले पर कहा, राहुल गांधी ने दिल से माफी मांगने की बात नहीं कही है, राहुल गांधी दो पक्षी बातें कर रहे हैं। अगर सच में राहुल गांधी ने कमलनाथ को माफी मांगने को कहा है और कमलनाथ राष्ट्रीय नेता की बात नहीं मान रहे हैं तो राहुल गांधी को कमलनाथ पर कार्रवाई करना चाहिए। राहुल गांधी ने दिल से माफी मांगने की बात नहीं कही, राहुल गांधी दो अर्थी बातें कर रहे हैं, और अगर सच में दिल से राहुल गांधी ने कमलनाथ को माफी मांगने के लिए कहा है तो वो अगर राष्ट्रीय नेता की बात नहीं मान रहे हैं तो उनको कमलनाथ पर कार्रवाई करना चाहिए। तोमर ने कहा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग और न्यायालय में भरोसा करने वाला राजनीतिक दल है। चुनाव आयोग का COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्णय है, निश्चित रूप से सभी को उसके नियमों का पालन करना चाहिए। सिंधिया को लेकर तोमर ने कहा कि व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी रहती है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित दल है, वह हमारी परंपराओं से, क्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे। यह न्यायालय में भरोसा करने वाला राजनीतिक दल है और चुनाव आयोग के COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए जो निर्णय हैं, निश्चित रूप से कोविड के नियमों का सभी ने पालन करना चाहिए और मैं भी आप सब लोगों के माध्यम से सभी को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के इस संकट में कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करें। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित, कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, वो परंपराओं से, प्रक्रियाओं से, पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।